वो देखो पेपा पिग, क्या प्राओ? लगता है हमारे पड़ोस में कोई नया परिवार मूव कर रहा है। हाँ चलो चल के देखते हैं, चलो। हेलो, हाय, मेरा नाम है पेपा और ये है मेरी फ्रेंड प्राओ। मेरा नाम दुई है और ये है मेरी सिस्टर बिंगो। हेलो, तुम्हारे पास कितने सारे इंटरेस्टिंग खिलौने हैं, क्या तुम अपने खिलौनों का नाम रखती हो? हाँ मेरे सारे खिलौनों का नाम है, क्या तुम जानना चाहोगी? हाँ मुझे भी बताओ। इसका नाम है पॉपी और ये है मेरा खिलौना, इसका नाम है फ्लॉपी। और ये उल्लू, इसका नाम है चैटरमैक्स। और ये है हमारा बिली हैंड पपेट, इसको हम हाथ में पहन के अलग अलग कहानियाँ बना सकते हैं। और मेरे पास एक पियानो भी है और ये है जादुई ज़ैलोफोन, अगर तुमने इस ज़ैलोफोन को बजाया तो तुम्हें फ्रीज होना पड़ेगा। अच्छा, वाव। और ये सब बाकी सामान पापा मम्मी का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बैंडिट, हाँ चली, चलो अब सारा सामान घर में लगाते हैं, काफी देर हो गई है। तो चलो किस कमरे से शुरू करना चाहते हो? किचन से शुरू करते हैं, मुझे काफी भूख भी लगी है। ओ बैंडिट, तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। ये रहा कुछ किचन का सामान। ये देखो, एक गैस रेंज है जिसपे खाना पकाया जा सकता है और बर्तन धोने के लिए एक सिंक भी है। और उसके नीचे ये छोटी सी अलमारी और ये अवन भी है जिसमें तुम पिज्ज़ा बना सकते हो। और ये देखो, कुछ तश्तरियाँ और खाने का सामान, जैसे कि ये कप और ये चाय बनाने के लिए केटल और ये पानी पीने के लिए मग। अब ज़रा किचन पे नज़र डालते हैं, लगता है किचन में फ्रिज तो पहले से ही है और एक छोटी सी अलमारी और उस पर एक पौधा भी रखा हुआ है। और इस खिड़की से आप ट्री हाउस भी देख सकते हो। वाह, चलो बस अब इसमें गैस और सिंक लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा किचन। चिली, ये तो काफ़ी बड़ा घर है। हाँ बैंडिट, ये तो बहुत बड़ा घर है, इसमें तो सामान लगाते लगाते शाम हो जाएगी। ये देखो, ये है एक ऑरेंज काउच या सोफा सेट, ये काउच पे पापा बैठ के अपना टीवी देख सकते हैं। चिली, हाँ बैंडिट, ये लिविंग रूम काफ़ी खाली लग रहा है, यहाँ पे एक बढ़िया सा सोफा होना चाहिए ताकि मैं आराम से बैठ के क्रिकेट देख सकूँ। बैंडिट, हमारे पास एक सोफ़ा पहले से ही है और वो काफ़ी भारी है, अगर तुम्हें वो यहाँ रखना है तो हम दोनों को साथ में उठाना पड़ेगा। चलो उठाते हैं उसे। ये सोफा इतना भारी क्यों है? अरे इसमें तो दो कुशन भी होने चाहिए, वो कुशन कहाँ चले गए? बैंडेड, बाहर जाके देखो, कुशन बाहर ही कहीं पड़े होंगे। अच्छा, और चिली काफी थक गए हैं, चलिए उनके लिए ये दो कुशन इस सोफे पे लगा देखते हैं। ये रहा एक और ये रहा दो। चलो ये कुशन तो अब आ गए सोफे पे, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। चलो, हमारे पास ये डाइनिंग टेबल भी है जो डाइनिंग रूम में जाएगी। इस डाइनिंग टेबल के साथ एक, दो, तीन, चार कुर्सियां भी आएंगी। नैना, आप किचन में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा बैंडिट, मैं चाय बनाना चाहती हूँ। अरे नैना आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। थैंक यू बैंडिट। चाय बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी उबालना पड़ेगा, तो उस पानी उबालने के लिए ये है हमारी केतली या केटल, चलिए इसको गैस पे लगा देते हैं। और हमारे पास ये दो छोटे छोटे मग भी हैं
चलिए इनको फिलहाल किचन में ही रख देते हैं। मम्मी। हाँ ब्लूई। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अच्छा तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक बॉटल लेके आती हूँ। पर मम्मी मैं बैठूंगी कहाँ, यहाँ ना तो डाइनिंग टेबल है ना डाइनिंग चेयर। ओके चलो पापा से बोलते हैं कि यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल और सारी चेयर लगाएं। ये तो दोस्तों आपको याद होगा हमारे पास एक डाइनिंग टेबल और चार चेयर थी। चलिए इन चेयर को लगा देते हैं डाइनिंग टेबल के चारों तरफ। ये रही दो और ये रही तीन और चार चेयर। और यहाँ रख देते हैं ब्लूई की बॉटल। चलो ब्लूई आ जाओ आप पानी पियो। अब जाके प्यास बुझी। पापा। हाँ बिंगो। पापा मुझे पॉटी जाना है, पर यहाँ पे तो कोई टॉयलेट सीट ही नहीं है। रुको बिंगो, मुझे वो टॉयलेट सीट बाथरूम में लगानी पड़ेगी, क्या तुम थोड़ा सा इंतजार कर सकती हो? नहीं पापा बहुत जोर से आई है, जल्दी कीजिए प्लीज। अच्छा बिंगो। चलो दोस्तों अब हम बिंगो की सहायता करते हैं बाथरूम में। ये बाथटब और ये रही टॉयलेट सीट। अब बिंगो पॉटी जा सकती है। लुई। हाँ बिंगो, हमारा कमरा कितना बड़ा है। इस कोने में मेरा बेड होगा और उस कोने में तुम्हारा, और हमारे सारे खिलौने यहाँ पे होंगे। और देखो हमारे पास एटिक का भी एक्सेस है, तो हम लोग वहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा सकते हैं। बिंगो शांत हो जाओ, पहले बेड और अपने सारे खिलौने तो लगा ले, टेलीस्कोप बाद में देखेंगे। हाँ पर कमरा कितना बड़ा है। पास दो बिस्तर हैं, एक बिस्तर है ब्लूई का और दूसरा बिस्तर बिंगो का। तो चलिए इस कोने में लगा देते हैं ब्लूई का बिस्तर और इस कोने में बिंगो का बिस्तर। और अब बाकी खिलौने भी कमरे में लगा देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं ये पियानो, और ये रहे मिस्टर पॉपी हेयर और फ्लॉपी उनके बगल में, और ये रहा शैतान चैटर मैक्स, और ये रहा छोटा सा बनी पपेट। पर हमें पढ़ाई भी तो करनी चाहिए, तो ये रही एक किताब और पिंगो का जादुई साइलोफोन, इसको भी यहाँ रख देते हैं उनके खिलौने के साथ। मम्मी पापा। क्या हुआ ब्लूई? मुझे मेरा ऑक्टोपस वाला खिलौना नहीं मिल रहा है। तुमने अपने कमरे में देखा? हाँ मेरे कमरे में सारे खिलौने हैं, पर ऑक्टोपस वाला खिलौना नहीं है। कोई बात नहीं ब्लूई, चलो गाड़ी में चल के देखते हैं, शायद वो गाड़ी में ही कहीं रह गया होगा। चलिए जल्दी चलिए, मुझे वो चाहिए। थोड़ी शांति रखो ब्लूई। बिंगो क्या तुम मेरी मदद करोगी ऑक्टोपस वाला खिलौना ढूंढने में? ब्लूई मुझे नहाने का मन कर रहा है, मैं तो नहाने जा रही हूँ। ओके बिंगो। ऑक्टोपस तुम कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के तुम क्यों चले गए, वापस आ जाओ प्लीज ऑक्टोपस। चलिए दोस्तों गाड़ी में चेक करते हैं, क्या ऑक्टोपस गाड़ी में ही रह गया? अरे हाँ ये रहा ऑक्टोपस, पीछे वाली सीट पे गिर गया था। चलिए ब्लूई को बताते हैं कि उसका खिलौना मिल गया है। हमारे पास पापा मम्मी का ये बड़ा सा डबल बेड भी है, चलिए इस डबल बेड को रख देते हैं इस मास्टर बेडरूम में। लुई और बिंगो की मम्मी को फोटोग्राफी का शौक है, ये रहा उनका कैमरा, चलिए इस कैमरे को भी रख देते हैं बेडरूम में। तो बच्चों क्या तुम्हें अपना ये नया घर पसंद आया? हाँ मुझे ये घर बहुत पसंद आया, मुझे भी मम्मी। तो लगता है अब हम लोग एडजस्ट हो गए हैं, बस अब एक ही काम रह गया है, तो चलो उसको भी पूरा कर लेते हैं। कौन सा काम बैंडिट? डांस करने का। मुझसे जा।
लुई, मैं और प्राव तुम्हें हमारे घर बुलाने आए हैं। क्या तुम हमारे घर खेलने आओगी कल? हाँ, आज मैं थक गई हूँ, पर कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। अच्छा,